कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना बताकर विवादों में घिर गए हैं। बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जारी की है, तो वहीं विहिप ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए देश की जनता राहुल को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के बयान को राम मंदिर का अपमान करार दिया है। राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को हरियाणा के असंग और बरवाला में चुनावी रैलियों के दौरान अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर टिप्पणी की थी। आइए आपको बताते हैं इस खास न्यूज में कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा, अयोध्या में हारे क्यों? आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले राष्ट्रपति को कहा कि आप आदिवासी हो, आप अंदर नहीं आ सकती, आपको अलाउड नहीं है। उसके बाद अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को आने नहीं दिया। आपने बड़े को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं था। वहाँ नाच गाना चल रहा था और प्रेस वाले हाय हाय कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा था, यही रियलिटी है। राहुल गांधी ने कहा, इसीलिए अवधेश प्रसाद ने भाजपा को पटका, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। राहुल के बयान पर नाराजगी जताते हुए अयोध्या के साधु संतों ने कहा कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है। आचार्य पीठ दशरथ महल बड़ा स्थान के महंत बिंदु गद्याचार्य देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने कहा, राहुल को बोलने के लिए पहले विषय की गंभीरता को सोचना चाहिए। राम मंदिर अयोध्या ही नहीं देश की आस्था से जुड़ा है और यहां राजा से लेकर रंग तक आते हैं। ऐसे में इस टिप्पणी को लेकर कहीं से भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। मणिराम दास जी की छावनी में उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने भी कहा कि राहुल गांधी टिप्पणियों के लिए कुख्यात है, वह कृपया राम मंदिर और राम नगरी से दूरी बनाए रखें। जगतगुरु रामानंद स्वामी राम दिनेशाचार्य ने कहा कि रामलला समता समरसता के प्रकाश स्तंभ है और उनके संदर्भ में विभाजनकारी समीकरण समझना अशास्त्रीय एवं अमर्यादित है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस सरकार राम के अस्तित्व को नकारती रही है, ऐसे में उनके नेता को तो ऐसा बोलेंगे ही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। विपही के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने राहुल को झूठों का सरदार बताते हुए कहा कि वह देश समाज व संस्कृति को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नेता प्रतिपक्ष पर भ्रमक फैलाने व झूठ बोलने वाले आरोप लगाते हुए जैन ने कहा कि प्रोटोकॉल के मद्देनजर राष्ट्रपति समारोह के बाद मंदिर में पहुंची थी। इसी तरह वंचित समाज में रामेश्वर चौपाल ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य हैं, जबकि मंदिर निर्माण में लगे 200 से अधिक श्रमिकों ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था। भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते संघ प्रिय राहुल ने कहा कि लोगों को गुमराह कर बांटने का राहुल गांधी का षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, राम हमारे आराध्य हैं। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राम मंदिर का राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार अपमान कर रही है। वहीं गांधी परिवार 3 बार बाबर के मजार पर जाकर सजदा कर चुका है। कहा कि राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा में कोई श्रमिक नजर नहीं आया, वहां तो श्रमिकों पर पुष्प वर्षा की गई थी। श्रमिकों का जैसा सम्मान हुआ वैसा तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के दौरान हुआ था। त्रिवेदी ने पूछा कि कांग्रेस के शासन काल में भी कभी ऐसा हुआ है क्या? आप तो उस ताजमहल को उदाहरण बताते थे जिसे बनवाने के बाद हजारों श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कैसी टिप्पणी कर दी जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।